गाइस तो नए ब्लॉग में स्वागत है और मैं हूँ इस समय पोदलोकोर में और एक साई मंदिर में हूँ। साई मंदिर में कल यहाँ पे आया था और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया कि कुछ पत्रकार मिले थे और उन्होंने सजेस्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आया और अन्ना यहाँ पे रूम दे दिए, तो मैं यहाँ पे गाइस रहा। और अब मैं चेन्नई की तरफ निकल रहा हूँ और चेन्नई यहाँ से 170 किलोमीटर है, तो आज तो नहीं लेकिन आज मैं तमिलनाडु में एंट्री कर जाऊंगा 106 किलोमीटर 8 किलोमीटर के बाद, लेकिन पहुंचूंगा चेन्नई कल पहुंचूंगा। तो अब यहां से निकलते हैं और यहां का मार्केट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस रूम में मैं रहा वो दोनों चीज़ें। तो अब मैं निकलता हूं और ये अन्ना है यहां पे रहते हैं, तो थैंक यू अन्ना। तो गाइस ये है और आप देख रहे हैं ये साई बाबा टेम्पल है और यहाँ पे शादी वगैरह भी होता है। तो मेरी साइकिल अब रेडी है निकलने के लिए, तो अब यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस ये पोडालाकुर का मार्केट है, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ चेन्नई की तरफ। हेलो गाइस, तो मैं हूँ अभी इस समय नेशनल हाइवे के पास और सुप्रिया दास मिले हैं जो ये बंगाल से हैं, तो अभी इनसे मुलाकात हुआ। और ये भी ऑल इंडिया का साइकिल राइड कर रहे हैं और बंगाल से निकले हैं 4 जनवरी को निकले हैं और अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, और इनका भी होगा पूरा इंडिया होगा और लद्दाख का इनका भी ट्रिप है। और ये बता रहे थे कि जो परमल कांजी हैं वो इनका काफ़ी फेवरेट है, उन्हीं से इंस्पिरेशन इनको मिला है। तो अलग अलग लोग होते हैं गाइज जिससे इंस्पायर होते हैं लोग और यात्रा शुरू करते हैं, उनको दुनिया घूमना होता है, देश घूमना होता है। तो गाइज मैं जानना चाहूँगा इनका क्या मैसेज है, क्या आप क्यों साइकिल कर रहे हैं? मेरा साइकिल का ना मुझे घूमना तो बहुत अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम वो पहाड़ वाला फीलिंग्स आ रहा है, तो मैंने सपने में देखा था कि वो वीडियो में देखा था सब कुछ, वो लद्दाख के बारे में सुना था, बस मुझे घूमना अच्छा लगता है। मेरा जो मैसेज है कि आप लोग सेफ ड्राइव कीजिए, जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो हेलमेट वगैरह नहीं लेके वो घूमता है, प्लीज़ हेलमेट पहन के घूमिए, और ज़रा सा जो फोर व्हीलर जो कार चलाते हैं वो सीट बेल्ट पहनिए, और हर किसी को ट्री लगाना चाहिए, प्लीज सेफ लाइफ। ओके गाइस, तो इनका ये मैसेज है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं ताड़ा, और ताड़ा तमिलनाडु जो इसके बाद तमिलनाडु आ जाएगा, तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये ताड़ा जो है लास्ट डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का। और अभी हम चेक पोस्ट के पास पहुंचे हैं और बस 500 मीटर आगे बढ़ेंगे और तमिलनाडु में एंट्री कर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तमिलनाडु सामने दिख रहा है चेक पोस्ट, तो अब एंट्री कर रहे हैं और ये सुप्रिया हैं साथ में, तो आज हम साथ में रुक रहे हैं। सुप्रिया दास कोलकाता से, तो ये भी मेरे साथ आज इस जगह पे रुकेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप है। तो गाइज आपको बता दें कि आज का ही नहीं पूरे आंध्र प्रदेश का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये मेरा आज 17वां दिन है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी अच्छा लगा और बहुत सारा चीज़ यहाँ मैंने देखा और सीखा। पहला जो नंबर वन पे बोल सकते हैं वो यहाँ पे इरिगेशन का साधन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, चाहे वो नहर का मामला हो चाहे पाइप के थ्रू मामला हो, तो ये है। और इससे भी जब इरिगेशन वगैरह सब रहेगा तो इससे रोज़गार का भी साधन खुलता है, तो हमेशा यहाँ पे हमेशा रोज़गार मिलता है लोगों को। और मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है, पथरीला एरिया है, और यहाँ पर भी
पानी मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होता है वहाँ पे पानी नहीं मिल पाता है, और ये तो पठारी एरिया है। तो एक तरह से बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, गांव में भी रुके, हर जगह रुके, और तमिलनाडु में एंट्री करने के बाद फिर से आंध्रा आ गए हैं, और कल फाइनली चेन्नई पहुँचेंगे। और यहाँ से चेन्नई सिर्फ 52 किलोमीटर रह गया है, तो कल जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए गाइज, आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो मेरी टेंट यहाँ पे लगने वाली है।